कार्तिक आर्यन की अपकमिंग फिल्म भूल भुलैया 2 भी कोरोना की मार झेल चुकी है। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही कार्तिक कोरोना का शिकार हुए, जिसके बाद फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया, सेट को भी हटा दिया गया। अब हाल ही में कार्तिक तो कोरोना से फ्री हो गए, लेकिन कोरोना की चपेट में आया महाराष्ट्र का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। धारा 144 लागू होने के बाद महाराष्ट्र में शूटिंग करने का तो कोई चारा बचा ही नहीं है। इस बीच खबरें आ रही हैं कि कार्तिक आर्यन अपनी फिल्म भूल भुलैया 2 के लिए यूपी जाने वाले हैं, जिसकी मंजूरी यूपी सरकार ने दे दी है। आपको बता दें कि कार्तिक और उनकी फिल्म की पूरी टीम यूपी के सीतापुर जिले में फिल्म की शूटिंग के लिए जल्द रवाना होंगे, जिसकी मंजूरी उन्होंने सरकार से ऑनलाइन सिंगल विंडो के जरिए हासिल की है। फिल्म की शूटिंग को पूरा करना मेकर्स के लिए इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि फिल्म की कास्ट की तरफ से उन्हें डेट दे दी गई है, लेकिन बार बार चलती फिल्मों की शूटिंग डेट काफी नुकसान पहुंचा सकती है। डायरेक्टर अनीस बज्मी ने बीते कुछ टाइम पहले ही फिल्म की शूटिंग को लेकर कहा था, मैं इंतजार कर रहा हूं क्योंकि लॉकडाउन के विस्तार की खबरें हैं और मुंबई में पूर्ण लॉकडाउन की अफवाहें हैं, इसलिए हम कुछ भी योजना बनाने में असमर्थ हैं। कार्तिक काफी अच्छे इंसान हैं, उन्होंने हमसे कहा है जब भी आप शूटिंग करने का फैसला करते हैं मैं तैयार हूं। इसमें शामिल सभी कलाकार सहयोगी रहे हैं। अब अगर फिल्म की शूटिंग महाराष्ट्र में नहीं की जा सकती है तो इसका विकल्प यूपी ही है, क्योंकि हाल ही में यूपी में फिल्म सिटी का आगाज हुआ। हालांकि उससे पहले भी यूपी में कई फिल्मों की शूटिंग हुई है, लेकिन अब पूरी तरीके से यूपी का एक हिस्सा फिल्मों के नाम कर दिया गया है। जॉली LLB, टॉयलेट, एक प्रेम कथा, बाला, रूही, प्रस्थानम और आर्टिकल 15 जैसी लगभग 150 फिल्मों की शूटिंग यूपी में ही की गई है और इसका आंकड़ा आगे भी बढ़ता ही रहेगा। अब भले ही महाराष्ट्र में 15 दिन के लिए धारा 144 को लागू कर दिया गया हो, लेकिन फिल्मों की शूटिंग रोकना यानी कि एक बार फिर से करोड़ों का नुकसान होगा, क्योंकि बीते साल हुए नुकसान की भरपाई बॉलीवुड अभी तक नहीं कर पाया है। ऐसे में फिर से सब कुछ बंद करके घर में बैठना बॉलीवुड की स्थिति को काफी हद तक बर्बाद कर देगा। कोरोना की दूसरी लहर का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र को झेलना पड़ रहा है। आलम यह है कि बीते दिन ही शहर में मिनी लॉकडाउन की घोषणा की गई है, जिसके बाद से एक बार फिर सब कुछ ठप होने की राह पर है। सूर्यवंशी, थलाईवी, चेहरे जैसी फिल्मों की रिलीजिंग तो पहले ही टाली जा चुकी है, उसका नुकसान तो फिल्म इंडस्ट्री को भुगतना पड़ ही रहा है। लेकिन जिन फिल्मों की शूटिंग को पूरा करने के लिए मेकर्स ने पहले से ही पैसा लगा रखा है, अब उनकी भी बंद होती शूटिंग मेकर्स का बट्टा बिठा सकती है। बीटाउन की हर लेटेस्ट अपडेट, सेलेब्स की हर छोटी बड़ी गॉसिप्स, आप सभी के चहीते सितारों की पूरी कहानियाँ, सब कुछ मिलेगा आपको हमारे चैनल इंडिया बॉलीवुड वायरल पर। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल इंडिया बॉलीवुड वायरल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।